पटवारी मां और गोल्ड मेडलिस्ट बेटी ने देवास के थाने पहुंचकर शिकायत की है कि ससुराल वाले उसे उसके पति के मकान में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। उज्जैन के देवास गेट थाने में अपनी बेटी के साथ देर रात न्याय मांगने पहुंची यह है ज्योति सोलंकी, जो खुद तो पेशे से उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील में पटवारी हैं। वैसे तो पटवारी लोगों की जमीनों की समस्याओं का निराकरण करने का काम करते हैं, लेकिन अपने खुद के पति के मकान से बेदखल की गई इन माँ बेटी को अब उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ज्योति सोलंकी की, जिसका विवाह सन 2003 में उज्जैन के मुरलीधर सोलंकी से हुआ था। ज्योति जब प्रेग्नेंट थी, इसी दौरान उसके पति ने सुसाइड कर लिया और ज्योति के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। इसी दौरान ज्योति ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका पालन पोषण करने लगी। ससुराल वालों ने अपने घर से ज्योति और छोटी बेटी को बेदखल कर दिया और कहा कि अब उनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया। ज्योति अपनी छोटी बेटी को लेकर अपनी माँ और भाई के यहाँ चली गई, लेकिन ज्योति ने हार नहीं मानी और उसने अपनी बेटी को बड़ा करने के साथ साथ खुद भी पढ़ाई जारी रखी और सन 2018 में उसने पटवारी परीक्षा पास की और पटवारी बन गई। इस दौरान बेटी भी बड़ी हो गई और उसने उसे आत्मनिर्भर बनाया और उसे शूटिंग की ट्रेनिंग दिलाई। ज्योति की बेटी नैन्सी गोल्ड मेडलिस्ट है और उसे खेलो इंडिया के तहत स्कॉलरशिप भी मिल रही है। दरअसल पति की सुसाइड के बाद ज्योति की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। उसने कई बार अपनी बेटी के साथ सांस देवर जेट से अपने पति के हिस्से वाले मकान को लेने के लिए अलग अलग जगह गुहार लगाई। यहाँ तक कि ज्योति की माने तो उसने समाज के लोगों को भी बोला कि वह अपनी समस्या का निराकरण करें, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिन पहले ज्योति और उसकी बेटी मालीपुर स्थित अपने पति के मकान का हिस्सा मांगने पहुंची तो वहां पर पति के परिजनों ने विवाद किया। इसी से आहत होकर आज ज्योति और उसकी बेटी नैन्सी देवास गेट थाने पहुंचे और दिवंगत पति के परिवार के खिलाफ आवेदन दिया। ज्योति का कहना है कि उसे अपने पति के मकान में हिस्सा चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। उसने कहा कि उसे उज्जैन पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। मेरी समस्या ये है कि मैं अपने परिवार में गई थी ससुराल में, लेकिन वहाँ से छीना छपटी की गई मुझे। मैं अपना हक लेना चाहती हूँ संपत्ति का, अपनी बेटी का। इतने सालों से मैं डिप्रेशन में थी, अभी मेरी बच्ची के कारण मैं आई हूँ, उसका मुझे हक नहीं। वहीं बेटी नैन्सी की बात माने तो उसने कहा है कि उसे अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है और उसकी रोल मॉडल है। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसे उसके पिता की संपत्ति में से हिस्सा और हक मिलना चाहिए, इसी के लिए वह उज्जैन पुलिस व प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठी है। उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे बहुत संघर्ष से पार पोस कर बड़ा करा है और पेशे से गोल्ड मेडलिस्ट शार्प शूटर का कहना है कि अगर उसे इंसाफ और न्याय नहीं मिला तो वो अपना मेडल सरकार को वापस कर देगी। मैं मेरी मम्मी का हक मांगने आई हूँ। मेरी मम्मी इतने सालों से डिप्रेशन में थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद मैं उनका हक मांगने आई हूँ। मैं खुद एक शूटर हूँ नेशनल लेवल की और पढ़ाई कर रही हूँ अभी। मेरी मम्मी के डिप्रेशन की वजह से मैं बोल नहीं पाई थी इतने सालों से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए खड़ी हूँ। मंदसौर में पटवारी है, हम वहाँ गए थे हमारे हक के लिए बात करने, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की।